Krishna padam evapnoti bhai shok adi varjita. भय क्या है? हमारे संसार में आना ही भय है क्या? नहीं, संसार में आना तो भय नहीं होना चाहिए। यदि आप संसार में रहते हुए परमेश्वर की शरण में हैं, तो फिर भय कैसा? यदि आप सत्य की शरण में हैं, तो भय कैसा? यदि आप सत्मार्ग पर जा रहे हैं, तो भय कैसा? यदि आप परमेश्वर को पहचानते हैं, तो भय कैसा? भय तो तभी होगा ना जब आपका ये रथ, शरीर रूपी रथ, ये पांच इंद्रियों को लेकर के, पांच घोड़ों को लेकर के गलत मार्गों पर भटकेगा। चोर को भय होता है, सत्य को नहीं। डाकू को भय होता है, जय गोपाल। जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। भागवत गीता की महत्ता का यहां पर प्रवचन किया जा रहा है। भगवान विष्णु कह रहे हैं धरा देवी को, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान विष्णु पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जितः। तो मैं कह रहा था कि ये भय किस चीज का है संसार में? हमको, हम बुरे कर्म करेंगे तभी तो हमको डर पैदा होगा। सत्य को भय नहीं पैदा होता, सत्य कभी नहीं डरता। सत्य तो भगवान का स्वरूप है, वो कैसे डरेगा? लेकिन बुरे कर्म करने वाले को अवश्य ही भय पैदा होगा। चोर चोरी करने जाता नहीं, उससे पहले जब विचार उठते हैं चोरी करने के, वो भयभीत होना शुरू हो जाता है, भयभीत होता है। चोरी करता है तब भी भयभीत होता है, चोरी कर चुका होता है, अपने घर पहुंच चुका होता है, तब भी वो भयभीत बना रहता है। और उन चोरी के पैसों को जहां भी वो खर्च करता है, तब भी उसको भय ही पैदा होता है कि शायद कोई पूछ ना ले कि ये पैसे कहां से आए, पोल ना खोले। हमको ऐसे कर्म करने चाहिए जो हम निर्भय बने। श्रीमद् भागवत गीता आपको ये मार्ग दिखलाएगी कि आप निर्भय बनेंगे, आपको संसार के शोक, विघ्न, बाधाएं नहीं उपस्थित होंगी। ये भगवान विष्णु उपदेश कर रहे हैं धरा देवी, भूदेवी को, हम समस्त को। तो हम भगवान विष्णु की माने तो हम सुखी बनेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि वो मेरे पद को भी प्राप्त कर लेता है। विष्णु पद क्या है? विष्णु पद है अमर पद, वैकुंठ का पद, इटर्निटी। जो व्यक्ति यहां से मुक्त हो जाता है, सत्कर्म करता हुआ, भगवान का भजन करता हुआ, वो इटर्निटी को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है, परम धाम का वासी बनता है, भगवान के सानिध्य को प्राप्त होता है, भगवान के समीप चला जाता है। दूसरे श्लोक में विष्णु भगवान कह रहे हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। हे धरा देवी, जो प्राणों से प्रिय समझ करके
श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पठन करता है, अध्ययन करता है। ऊपर के श्लोक में भी अध्ययन का ही उपदेश है जो पहले श्लोक कहा है, लेकिन उसमें अध्ययन के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता की पवित्रता का बखान हुआ है। सबसे पहले पवित्र ही होगा वो ही तो आपको पवित्र करेगा। अपवित्र कैसे आपको पवित्र करेगा? श्रीमद् भागवत गीता परम पवित्र है, पवित्रता ही धर्म है, पवित्रता ही ज्ञान है। जिस ज्ञान में पवित्रता नहीं वो तो अज्ञान है। पवित्रता ही कर्म है, जिस कर्म में अपवित्रता है वो कर्म नहीं कहा है गीता में, उसको कुकर्म या विकर्म कहा है, जो गंदे कर्म है। पवित्र है सद्गुरु है, पवित्र है तो ज्ञान पवित्र मिलता है। गीता परम पवित्र शास्त्र है, गीतोपनिषद है, भगवान का गीत है। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परश्च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति इस गीता का और गीता को अपने प्राणों से भी प्रिय समझ करके अपने हृदय में धारण करके सम्मानित करके इसका नित्य अध्ययन करता है, प्राणायाम परश्च प्राणों से भी अधिक प्रिय इस ज्ञान को अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए, शिरोधार्य करते हुए, भगवान की अनुकंपा कृपा समझकर जो इसका अध्ययन करता है। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परश्च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। वह व्यक्ति किसी भी रूप में कभी भी किसी भी देश में किसी भी काल में पापों में नहीं उलझता। गीता उसको मार्गदर्शन करवाती है। जो गीता का प्रेमी है वो पाप कैसे करेगा? वो तो निष्पाप बनाती है। अर्जुन को भगवान उपदेश करते हुए बार बार संबोधित करते हैं, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन भगवान के अंतरंग भक्त हैं, सखा हैं। हमको बनना है, हमको भी भगवान का अंतरंग सखा और भक्त बनना है, इससे कम नहीं। लेकिन हम अभी ट्रैक पर नहीं चढ़े, पटरी पर नहीं चढ़े। पटरी पर चढ़ जाएं तो एक दिन अभ्यास योग युक्तिन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन। ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ये आपकी दृष्टि में होंगे, दिव्य हैं भगवान। हे पार्थ, उनका चिंतन कर, उनका चिंतन कर, प्रभु का अभ्यास कर। अभ्यास योग युक्तिन चेतसा, चित्त नान्यगामिना, अन्यत्र नहीं जाता, उनके चरणों में स्थिर हो जाता है। जिनका चित्त स्थिर हो गया वो भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वो ही परमानंद के हकदार बनते हैं। भगवान अभ्यास करवा रहे हैं हम सबसे, अभ्यास करो। अर्जुन ने पूछा एक जगह पर, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण,
जैसे एक वेगवती वायु को बांध देना बड़ा दुष्कर है, ऐसे मन को एक जगह केंद्रित करना तो बड़ा दुष्कर है, ये तो बड़ा चंचल है। कैसे मैं इसको वश में करूं? जब मैं आपका भजन करने बैठता हूं ये जगह जगह दौड़ने लगता है, जब मैं आपका ध्यान करता हूं तब भी वही दशा होती है, ध्यान में चित्त नहीं लगता। असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तू कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। ये तो निश्चित ही है कि ये मन चंचल है, लेकिन हे अर्जुन अभ्यास से और वैराग्य से तू इस मन को वश में कर सकता है, मेरी भक्ति में लगा सकता है, मेरे ध्यान में लगा सकता है, तू मुझे प्राप्त कर सकता है। जय गोपाल।